छात्र पहला मलिक हायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग चैनल को आज हम आपको बात करने जा रहे हैं पंप रूम के बारे में। दोस्तों पंप एक डिवाइस है, ये डिवाइस को मूव लिक्विड्स एंड एयर टू वन प्लस टू अनदर। अभी हम आपको बात करेंगे, पहले से पंप रूम से पहले आपको वाटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पंप रूम को पानी सप्लाई आता वो पहले से आपको वाटर टैंकर को आता, उसके बाद में वाटर टैंकर से वो आपको आता रॉ वाटर को। जैसे देखो आपका वाटर टैंकर से रॉ वाटर को आता, रॉ वाटर से आप लोगों को फिर आपको आता सॉफ्टनर को, सॉफ्टनर के बाद आपको आता कार्बन फिल्टर को। इधर से देखो ये है कार्बन फिल्टर, कार्बन फिल्टर के बाद आपको डोमेस्टिक वाटर टैंकर को आता और ओवरऑल टैंकर भी जाता। इधर से आपको गार्डन का जाता, गार्डन के बाद आपको फिर जाता अपना जो टॉयलेट को, वॉश बेसिन को, डिश वॉश एरिया को। इधर से देखो अपना जो पानी ऊपर से आता फायर टैंकर को पहले आने के बाद, वो आपको इधर से आता रॉ वाटर को। रॉ वाटर के बाद कार्बन फिल्टर लगा, कार्बन फिल्टर को आने के टाइम पर उधर से क्या होता, कार्बन फिल्टर में आपका कुछ ब्रीज ऑयल कार्बन और आपका जो कुछ लिप ऐसा रहता है पता रहता वो सबको निकल रहता है। ये उसको डायरिया रहता है 2000 डायरिया रहता है, ये 50 क्यूबिक मीटर और आवाज में रहता है। और उधर से आप देखो डुअल मीडियम फिल्टर, इसमें आपको क्या रहता है फैन फिल्ट्रेशन करता रहता और आपको कुछ पता नहीं रहता उसको भी करता है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर को यूज करता है, इसमें स्ट्रेनर रहता है। इधर से आप देखो ब्रांड टैंक है, ब्रांड टैंक में क्या था आपको उसमें से सॉलिड जैसा कि इसमें आपको सॉल्ट डालता, उसमें नमक डालने के बाद वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता। और अपना इधर से देखो ये हाइड्रेंट पंप है और देखो आपको डीजल पंप है, रिसिप डीजल पंप, ये आपको आता स्प्रिंकलर पंप है। और इधर से आपको आता जॉकी पंप है, आपको जब वाटर का ज़रूरत होगा तो कम वाटर का ज़रूरत है तो वो टाइम में पानी ज़रूरत कम होगा तो जॉकी पंप स्टार्ट होता। और जॉकी पंप जॉकी स्प्रिंकलर, और जॉकी स्प्रिंकलर से अगर पानी नहीं मतलब और ज़्यादा थोड़ा होगा तो जॉकी हाइड्रेंट स्टार्ट होता। और उसके बाद अगर पानी अगर शॉर्टेज हुआ तो ये आपको मेन स्प्रिंकलर ऑन हो जाता। और मेन स्प्रिंकलर से और ज़्यादा पानी चाहिए तो इधर से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपका हाइड्रेंट पंप है, हाइड्रेंट पंप आपका देखो यहाँ से ये हाइड्रेंट पंप ऑन हो जाता पूरा बिल्डिंग को बंद होता। और ज़्यादा डिस्टेंस से जिधर है लॉन्ग डिस्टेंस को पानी छोड़ना नहीं तो हाइट को हाइड्रेंट बिल्डिंग को पानी छोड़ना, तो वो टाइम में पानी का प्रेशर कम हो जाता, प्रेशर कम हो जाता तो कम होने के टाइम पर क्या करना तो उसको बूस्टर पंप को इस्तेमाल करते। और पंप रूम में आपको क्या क्या मिलता है, पंप रूम में आपका पैनल रहता है, इलेक्ट्रिकल पैनल भी रहता है बहुत सारे आपको पंप देखो, इधर से आपका ओवरफ्लो पंप रहता है, डोमेस्टिक वाटर का पंप रहता है, उसका कैपेसिटी भी रहता है अलग अलग, इधर से 100 लीटर का रहता है, 125 175 किलो लीटर का, 200 किलो लीटर का रहता है। और सॉफ्टनर का काम क्या है, स्ट्रेनर का काम क्या है, स्ट्रेनर में कुछ कचरा पचरा था वो उसको प्योरीफाई करके दूसरे को छोड़ता है। और इसमें से सब आर वाटर को जाता है, आर वाटर ये प्रोसेस अब प्योरीफाई और ड्रिंकिंग वाटर। और आपको डीजल टैंकर क्या है, ये डीजल का काम क्या है, अगर इनकेस अगर पावर सप्लाई बंद हो गया तो आपको डीजल ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, ये डीजल ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। आपको बटरफ्लाई वाल्व रहेगा, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई वाल्व। और आपको नॉन इंटरनल वाल्व, ये नॉन इंटरनल वाल्व पानी एक बार गया तो इसको रिटर्न नहीं आता। बटरफ्लाई वाल्व क्या था, वो दोनों का दो पाइपलाइन को जॉइंट करने नहीं देता, इधर से डिलीवरी हेडर देता और एक सक्शन हेडर भी, सक्शन हेडर जो हमारे टैंकर से मोटर को पानी देता और डिलीवरी हेडर इधर से आपको मेन पाइपलाइन को पानी देता रहता। और इमरजेंसी डीजल टैंक भी रहता, आपको आपके पास इमरजेंसी का डीजल टैंक भी रहता। और आपको इसमें देखा रहता जबकि स्प्रिंकलर का, जबकि स्प्रिंकलर का आपको रहता ऑटोमेटिक कुछ रहता और मैनुअल भी आपको आके उसको कर सकते हो। तो लेके आओ और आपको देखता हूँ फिल्टर फीड पंप रहेगा, ट्रेनर रहता है, ट्रेनर का काम क्या है, कचरा कचरा कुछ आया तो इसमें से वो फिल्ट्रेशन करके आपको निकाल देता। तो आज आपको ये
इतना ही जानकारी दिया फायर पंप के बारे में। अगर ज़्यादा जानकारी होना तो फिर आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू विश यू वेल।